बेटा नेक्स्ट टॉपिक इज प्राइम फैक्टर्स, ठीक है, या प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टर्स कैसे निकालते हैं? जैसे कि हमको पता है इसमें दो वर्ड है, ठीक है, एक तो प्राइम, ठीक है, एंड सेकेंड इज फैक्टर्स। तो प्राइम नंबर क्या होता है बेटा? ठीक है, प्राइम नंबर, ठीक है, विच हैज ओनली टू फैक्टर्स, वन एंड नंबर इटसेल्फ, मींस टू, टू इज ए फर्स्ट प्राइम नंबर, ठीक है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है, गोस वन एंड टू, या तो वन के टेबल में आएगा या खुद के टेबल में आएगा, थ्री वन के टेबल में आएगा या खुद के टेबल में आएगा, सेवन वन के टेबल में आएगा या खुद के टेबल में आएगा, नंबर इटसेल्फ, ठीक है, तो वो खुद के टेबल में आए या फिर वन के टेबल में आए, ठीक है, ठीक है। इसके बाद इलेवन, वन के टेबल में या इज आर प्राइम नंबर्स, ठीक। फैक्टराइजेशन, ठीक है, लेट्स टेक नंबर एटीन, ठीक है, एटीन। 18 की अगर हम फैक्टर्स करें तो देखो 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में भी आता है, ठीक है, 6 के टेबल में भी आता है, 9 के टेबल में आता है, 18 के टेबल में आता है, ठीक है। दीज आर द फैक्टर्स, बट इसमें इसमें हमको ये देखना है कि इसमें प्राइम नंबर कौन कौन सा है, टू एंड थ्री। तो हम इसको फैक्टर इस तरीके से करने हैं ताकि सिर्फ ये दो नंबर किस तरीके से लिखे जा सकते हैं, 18 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, टू इंटू थ्री इंटू थ्री, टू इंटू थ्री इंटू थ्री, ठीक है। सो दीज आर प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है, दिस इज प्राइम फैक्टराइजेशन। उसको इस तरीके से लिखना है ताकि सिर्फ प्राइम नंबर्स ही आए, ठीक है, वो दोबारा और पार्ट में ना डिवाइड हो, ठीक है, वो दोबारा और पार्ट में डिवाइड ना हो। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका, सपोज कीजिए हमने ये 80 एक नंबर है, हम उसको किस तरीके से लिख सकते हैं, 9 टू साइड, ठीक है। अब इसको और आगे तो नहीं कर सकते, लेकिन 3 को हम और डिवाइड कर सकते हैं, 3 जा 9, ठीक है। तो यहां पर कितना आया हम निकाल के देखेंगे, 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है, 9 टू 18 एंड 9 को और डिवाइड करके देख सकते हैं हम, 3 इंटू 3 थ्री 9 एंड 2 को अगर आगे कर ही नहीं सकते क्योंकि 2 इंटू 2 होता है, ठीक है। तो एक ये तरीका है, लेकिन मैंने आपको जो इसका बेस है वो समझा दिया है कि आखिर इसको प्राइम फैक्टराइजेशन क्यों बोलते हैं, ठीक है, और प्राइम फैक्टर हम कैसे निकाल सकते हैं, ये टोटल मैं बता चुका हूं, ठीक है, क्लियर है। अगर इसमें कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है बेटा।